नमस्कार दर्शकों, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है भारत एट 9 का। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। 23 करोड़ की जनसंख्या वाली यूपी में 304 सीटें जीतने वाली पार्टी के सीएम ने 56 इंच की छाती वाले पीएम के साथ 90 मिनट की मुलाकात की, जिसने 1000 सवालों को जन्म दे दिया है। इन सवालों के 10000 जवाब हो सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के न्यूज ब्रॉडकास्ट में यह संभव नहीं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेता जनता के बीच जा रहा है। हमारी राजनीति जाति धर्म चेहरे के ऊपर सोच ही नहीं पाती। फिलहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है राज्य से लेकर सेंटर तक के बीच की सियासी हवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के बड़े नेताओं और देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे लोगों के साथ फोटो डाल रहे हैं। ये सामान्य नहीं है। अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी के लिए बड़ी बात है, उनके सलाहकारों के लिए सोचने वाली बात है, मीडिया चैनलों के लिए डिबेट का नया मुद्दा है, तो अखबार वालों के लिए ये सब कुछ है। दरअसल बीते महीने प्रधानमंत्री मोदी समेत संघ के पदाधिकारियों से शुरू हुई चर्चा अब योगी आदित्यनाथ की ताजा तस्वीरों पर आकर ठहर गई है। राजनीति में हर बात को लेकर दो साइडें होती हैं, तो इसमें भी है। एक साइड ये कहते कहते नहीं थक रही कि योगी जी और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जो दूसरी साइड है वो सिर्फ चुटकी लेने में मशगूल है। इस मशगूल रवैये पर ही मशहूर शायर वीरभद्र के शेर गढ़े गए हैं। उनका कहना था कि हम करें हमको करने दो, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा खत भी हमारे ही पते पर आता है। फिलहाल योगी जी का पता आज सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय था, दोपहर में जेपी नड्डा जी का आवास था, तो आज शाम को वो कुछ और हो सकता है, जो कि कल शाम को गृह मंत्री अमित शाह का आवास था। इन सभी पतों में एक चीज कॉमन है, वो है नई दिल्ली। सीएम योगी कल से दिल्ली में है। माना जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही निकलता है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सियासत दिल्ली में डिस्कस की जा रही है। इसी डिस्कशन के क्या मायने हो सकते हैं, क्या डिसीजन हो सकते हैं, इसी पर है आज का भारत एट 9। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास नेताओं और राजनेताओं की कमी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के विकल्प के तौर पर दर्जनों नेता हो सकते हैं। मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के पास नामों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इनमें से एक भी जन नेता यानी मास लीडर नहीं है। ये सभी नेता एक खास जाति की राजनीति के समीकरणों में फिट बैठते हैं। जातीय समीकरणों की राजनीति के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश में लोगों की जात से ऊपर हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करने में शायद ही ये नेता सफल रह सके। हिंदू हृदय सम्राट की छवि रखने वाले कल्याण सिंह अब इस अवस्था में ही नहीं है कि वह बीजेपी के लिए चुनावी चेहरा बन सके। बीते 4 सालों में योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह की हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सन्यासी से ज्यादा राजनेता और अब जननेता बन चुके हैं। उनके होने से बीजेपी को सिर्फ फायदा ही हो सकता है, नुकसान ना के बराबर है, और राजनीति के बाजार में चल रही अटकलों में भी दम नहीं दिखता। जैसे लोगों का कहना है कि यूपी बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया के कवर पेजों से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कवर पेज 21 अगस्त 2019 को बदल दिया गया था। खैर, योगी आदित्यनाथ के होने से बीजेपी को जो फायदे हैं उनको समझते हैं। नंबर एक पर है कि ध्रुवीकरण में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो योगी आदित्यनाथ का है। देश के किसी भी राज्य में चुनाव होने पर वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा तय माना जाता है। योगी आदित्यनाथ की सियासत की धुरी गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मठ के इर्द गिर्द घूमती है। गोरखनाथ मठ की परंपरा में जातीय बंधन मायने नहीं रखते हैं। यही वजह है कि जाति से ठाकुर होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ इस मठ के महंत हैं। यूपी की सियासत में धर्म और जाति दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि लोगों के बीच एक सन्यासी के साथ ही तेज तर्रार प्रशासक की भी है। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व के मुद्दे पर भी यही राजनीति रही है। हालांकि इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्तर प्रदेश में वर्षों से जारी सोशल इंजीनियरिंग का भी अहम रोल है। सूबे में योगी आदित्यनाथ के रूप में लोगों के सामने एक जाति विहीन चेहरा बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगा। योगी आदित्यनाथ के सहारे बीजेपी को यूपी में जाति को किनारे रखते हुए हिंदू वोटरों को एक साथ लाने का मौका मिलेगा।
दूसरा पॉइंट है राम मंदिर और युवा, ये बड़ा पॉइंट है। बीजेपी की सियासत के केंद्र में दशकों से राम मंदिर का मुद्दा अहम रहा है। सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बाद यह बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता बन गया है। राम मंदिर निर्माण की नींव रख दी गई है। बीजेपी ने देश भर में समर्पण निधि अभियान के जरिए लोगों की धार्मिक चेतना में इस मुद्दे को लुप्त होने से रोकने का एक सफल प्रयास भी किया है। इस मुद्दे से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा राम मंदिर हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की सन्यासी छवि से राम मंदिर के मुद्दे को और धार मिलेगी। यूपी में हर आयु वर्ग के लोगों और खासकर बुजुर्गों को राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सबसे अधिक प्रभावित करेगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के जरिए युवाओं के बीच एक खास जगह बनाई है। योगी के इस निजी संगठन में जातीय व्यवस्था को किनारे रखकर युवाओं को हिंदुत्व के नाम पर बढ़ावा दिया जाता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों की तरह ही हिंदू युवा वाहिनी के जरिए हिंदू केंद्रित राजनीति का फलसफा आसानी से हासिल हो जाता है। तो तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है योगी का दामन साफ है। उत्तर प्रदेश में चार बार सत्ता के शीर्ष पर काबिज हो चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तरह योगी आदित्यनाथ पर भी व्यक्तिगत तौर पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। यह योगी आदित्यनाथ की ताकत है। योगी आदित्यनाथ का सबसे मजबूत पक्ष भी इसको कहा जा सकता है। वहीं भ्रष्टाचार के मामले पर भी सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। हाल ही में जमीन घोटाले में दोषी पाए गए तीन एसडीएम की योगी सरकार ने तहसीलदार के पद पर तीनों को नियुक्त कर दिया था, उनको वहां से उठाकर डिमोट किया गया था। भ्रष्टाचार का मुद्दा लोगों को बहुत अंदर तक हिट करने वाला होता है। इस मामले पर योगी की साफ सुथरी छवि बीजेपी के लिए वरदान से कम बिल्कुल भी नहीं है। ये सब तो हो गई वो बातें जो साफ इशारा करती हैं कि सीएम योगी जो हैं उनकी ताकत पार्टी के लिए बहुत काम की है और बीजेपी उन्हीं के सहारे 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री का योगी बनने से पहले नाम अजय सिंह बिष्ट था। यूपी का सीएम बनते ही विपक्षी दलों ने उन पर इस नाम के सहारे केवल ठाकुरों को बढ़ावा देने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए उनके कार्यकाल में हुई 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याओं को दोषी बनाया, उनको ही दोषी बना डाला इस चीज का। संजय सिंह ने यहां तक दावा किया था कि 20 ब्राह्मणों को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ों में मार गिराया है। राजनीतिक दल आरोप लगाते रहे हैं कि योगी सरकार में पार्टी के ही 58 ब्राह्मण विधायकों की नहीं सुनी जाती है। वहीं कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ब्राह्मण विरोधी होने की चर्चाओं का माहौल खूब गर्म रहा था। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया था कि वो उनका भी एनकाउंटर करवा सकते हैं, तो ऐसी बात भी कही गई। पुलिस प्रशासन में भी ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ाने के आरोप सीएम योगी पर लगते रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी छवि से काफी नुकसान होने की संभावना भी है। चलिए, ये तो हो गई बातें आज के मुद्दे पर। मुद्दे को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बैलेंस इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं दुकानदार नहीं हूं, बैलेंस करना नहीं आता है, सिर्फ तथ्य समझ आते हैं। जैसे यूपी में 14 करोड़ मतदाताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में वोट दिया था। यूपी में कुल 400 जातियां हैं। जातियां कितनी अहम हैं ये सिर्फ यूपी के गांव देहात में निकल जाएंगे तो आपको समझ आएगा। मतलब एक अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाने से ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ से नाराज हो जाता है और कांग्रेस के नेता रहे जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन कर लेने से ब्राह्मण नेता योगी आदित्यनाथ से खुश हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यही जितिन प्रसाद परसों तक ब्राह्मणों से कह रहे थे कि योगी सरकार में उनका नुकसान हो रहा है। ब्राह्मण उनकी बात को सुन ही रहे थे कि वो खुद योगी आदित्यनाथ की पार्टी में अब आ गए हैं। पार्टी बदल ली है, लेकिन मजे की बात यह है कि विचार भी बदल गए हैं। अब उनका कहना है कि बीजेपी ही एकमात्र संस्थागत पार्टी है। मैं केंद्र सरकार से इस प्रोग्राम के माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि नर्सरी की किताबों से गिरगिट रंग बदलता है वाला मुहावरा बदल दीजिए, उसकी जगह पर नेता रंग बदलते हैं वाला मुहावरा फिट कर दीजिए। बच्चे आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये नेता दिखते ज्यादा हैं, सीमेंट के शहरों में गिरगिट कम ही दिखते हैं। बाइंड अप करने से पहले एक बात कहता हूं, जब कोरोना के चलते एक पड़ोस में एक अर्थी उठ चुकी हो, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हों, मजदूरों को काम ना हो, व्यापारियों का धंधा मंदा हो, छात्र भविष्य को लेकर परेशान हो, गरीबों का चूल्हा बिक चुका हो, सरकारी नौकरी में देरी का दर्द हो, उस वक्त ठहर कर सोचिएगा कि क्या हम सच में आजाद हैं या हम अभी भी जाति धर्म संप्रदाय नेता के भक्त गुलाम हैं। इस चीज को जरूर सोचिएगा। फिलहाल आज के लिए एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की एक साथ आई तस्वीरें बताती हैं
कि जो भी मुद्दा बनाया गया, जो भी गहमा गहमी की गई, वो सिर्फ विपक्ष का एजेंडा था। और इसके साथ ही इसकी आबोहवा में, इस नदी में बहते हुए हाथ धोने का काम किया है तथा कथित राइट विंग के ट्रॉल्स ने, राइट विंग के ट्विटर हैंडल्स ने और राइट विंग के यूट्यूब संचालकों ने, जिन्होंने अपने व्यूज बटोरे, रीट्वीट्स बटोरे। तो जैसा जिसको भाता है उसके काम वही आता है, बात की बात है, बाकी सब भोलेनाथ है। फिलहाल प्रोग्राम को यहीं बाइंड अप करता हूं, कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।